बोला करो भैरव बाबा खाओ तब खा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसा भाई? आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। मैं आज है फ्राइडे और मैं सो के उठ गया हूँ। मैडम चली गई ड्यूटी, आज मैं थोड़ा ज्यादा सोया था और मैडम हमें ऑर्डर दे के गई हैं कि आज कपड़े की प्रेस लगानी है। तो इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, ये है, अभी आपको दिखाता हूँ, ये है, और वो सामने कुर्सी भर पूरा पड़ा हुआ है, कुर्सी पूरी भरी पड़ी है और उनमें और बाहर भी पड़े हुए हैं। देखो आपको दिखाते हैं, वो इतने सारे पड़े हैं देखो रस्सी पे। इन सारे कपड़ों में मुझे प्रेस लगानी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, किचन में जाता हूँ, एक बार देखता हूँ कुछ मैडम ने क्या बनाया है, और कुछ खा के थोड़ा बहुत आराम करके फिर मैं जाऊँगा, करूँगा प्रेस, फिर मैं थोड़ा ऑफिस में जाऊँगा, काम है थोड़ा मेरा ऑफिस में। अभी मैं किचन में एक बार देखता हूँ कि है क्या। मुझे लगता है कि आज मैडम ने, अरे चावल भी बना दिया यार। तो कौन सी सब्जी बना दी? अरे दाल बना दी, मैं सोचा केले की सब्जी बनाई होगी। दाल, चावल, रोटी भी है क्या? है तो रोटी भी बनाई है, रोटी और दाल और चावल। तो चलिए थोड़ा सा दाल चावल खा लेते हैं और उसके बाद फिर मैं इस कटोरे में थोड़ा सा ही खाना है, इसी में खा लेता हूँ। चम्मच से निकाल लेता हूँ चावल। दाल चावल रोटी, रोटी तो अभी खाऊंगा नहीं, खाली चावल चावल खा ले रहा हूँ। चावल रख रहा हूँ इधर, और ये दाल, थोड़ी दाल भी ले रहा हूँ, मसूर की दाल लग रही है। ये वही दाल आज हमारे घर से आएगी, भौरिया। भौरिया मीन्स जो कोई लोग समझते होंगे, जैसे बिहार साइड में लिट्टी बनती है ना, उसी टाइप की हमारे यहाँ बनती है भौरिया। फाटक बंद कर देता हूँ। तो आज ये थोड़े से दाल चावल खा के फिर मैं लगाता हूँ प्रेस, थोड़ी देर में लगाऊंगा प्रेस। अभी इसको खाता हूँ थोड़ा, एक दो, दाल लग रहा ज्यादा हो गई यार। तो इसको खा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ प्रेस में करूँगा मैं। ये जो कुर्सी पे कपड़े रखे हुए हैं, पहले मैं इनको करता हूँ सीधा। ये दो अंडरवियर हमारे हैं, इन पे भी करूँगा। ये के जीन्स की पैंट हमारी है, इसको भी सीधा करके रख देता हूँ, इस पे भी करूँगा। सारे कपड़े सीधे करते हैं, उसके बाद बिस्तर लगा के बिछाऊंगा, उसके बाद चालू हो जाएगा प्रेस हमारा। एक ये हो गया, ये तो चलो घर में पहनने वाले हैं, इनको इन पे नहीं करूंगा। ये हो गया मैडम का सूट, यह सलवार, इस पे भी करनी पड़ेगी। इसको भी सीधा कर लिया, इस पे भी करूंगा। यह मैडम का सूट, इस पे भी करूंगा यार। रोज के रोज कर लो यार तो ठीक है सारा, नहीं तो फिर ऐसा लगता है मुझे, तो हालत खराब हो जाती मुझे करते करते। ये बनियान भी है, इस पे भी करूंगा, बताऊं उसके बाद स्टार्ट करता हूं प्रेस। इसको बिछा लिया, अब जो प्रेस है उसका सेटअप लगाता हूँ, ये भी करूंगा। इतने सारे कपड़े होगा यार, अब करते करते थक जाऊंगा, लेकिन अब करना तो है ही फिलहाल। तो चलिए इन पे सब पे प्रेस कर लेता हूँ, उसके बाद में आप लोगों से बातचीत करता हूँ। तो गाइस देखो, मैं
पसीना पसीना हो गया बिल्कुल, देखो कितना पसीना है। अभी मैंने प्रेस कर दी सारे कपड़ों में, प्रेस करने के बाद तो अभी दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल पसीने में भूग गया, जबकि पंखा ऊपर चल रहा है फिर भी देखो इतना, इतने सारों में इतने इसमें किया ये हैं सारे, और उसके बाद इतने सारे कपड़े ये हैं देखो, 5-6 जोड़ी ये हैं, 4-5 जोड़ी ये हैं, इतने सारे कपड़ों में कर दिया। अब मैं और देखता हूँ, एक अंडरवियर शायद मेरा कम है। हेलो गाइज, मैं नहा धो के हो गया तैयार बिल्कुल, मैंने पैंट और टी शर्ट पहन ली, अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अभी थोड़ा एक काम बता दिया नवीन भाई ने, उनका कागज़ लूँगा जाके, भी दूसरी कॉलोनी में जहाँ हम पहले रहते थे पुलिस लाइन में, वहाँ जाकर कागज़ लूँगा, उसके बाद जाऊँगा अपनी ऑफिस। तो अभी पूरा नहा धो के रेडी, अब लगाता हूँ सारा ताला वगैरह, उसके बाद फिर चलता हूँ। इधर भी लगाता हूँ ये, और उसके बाद फ्रिज चलने देता हूँ, क्योंकि खाना रखा है। इधर इसको बंद कर देता हूँ, ये माइक निकाल लेता हूँ, माइक निकाल लिया ये अपने पास रखता हूँ माइक। खोखवा जाए ले भी नहीं पाएंगे दोबारा। ये रख दिया पास, ये अपना चाबी उठाया, चाबी में मेन ताली तो है ही, पर्स लेके नहीं जाऊंगा मैं, बैग ले जाता हूँ। बैग में थोड़े हमारे कागज की भी फोटो स्टेट करनी है, और उसके बाद मुझे कुछ कागज़ भी लेके आने हैं, नवीन के कुछ प्रॉपर्टी के पेपर हैं वो लेके आने, तो इसलिए मैं बैग ले जाता हूँ। बैग टांग लिया, और चाबी वाबी लगा के हेलमेट, हेलमेट एक गोप्रो वाला नहीं ले जाता हूँ फिलहाल, सादा हेलमेट ले जाता हूँ। पर्दा वगैरह गिरा देता हूँ, ताला चाबी ये रखा है, ताला सारे यही रख दिए अंदर। तो हेलो गाइस, मैडम जी आ गई ड्यूटी करके, मैं भी अभी एक ऑफिस गया था अपनी वाली, ऑफिस में कुछ काम जो हुआ था वो मैंने कर दिया। ये नवीन सर का कुछ का पेपर है, मैं एक वकील साहब से लेना था, वो मैं लेके आ गया था, अभी नवीन सर आ रहा है उनको दूंगा ये पेपर। और मैडम जी आ गई हैं ड्यूटी करके, अभी आराम कर रही हैं, अभी बनाएंगे थोड़ी देर में चाय, जब नवीन सर आ जाएंगे तब चाय बनाएंगी, चाय भी पियेंगे, नवीन सर भी पियूंगा, मैं भी पियूंगा। और उसके बाद देखो जो भी मैडम अगर खाना वाना बनाएंगे ईटिंग वीडियो के लिए, तो बना के आपको मैं दिखाऊंगा उसका ईटिंग का, और बाकी जो भी आगे होगा प्रोसेस आपको दिखाता रहूंगा। अभी फिलहाल मैडम और हम दोनों लोग आ गए हैं अपने यहाँ घर पे, आज पूरे दिन बहुत मज़ा आया ऑफिस में मुझे, यहाँ पे गूंजा गर्मी लगती है, ऊपर देखो ये टीन है, और ये जब दोपहर में पंखा चलता ना बड़ी गर्म गर्म हवा नीचे फेंकता है, तब यहाँ सो नहीं पाता हूँ, सोता भी हूँ तो बिल्कुल पसीने में डूब जाता हूँ। तो अब क्या हुआ कि मैंने ऑफिस चला जाता हूँ, वहाँ चुपचाप सोता रहता हूँ एसी में बैठ के, जो भी काम होता है काम भी करता रहता हूँ, काम नहीं भी होता तो मैं चुपचाप सोता रहता हूँ। चलिए अभी बैठते हैं थोड़ी देर, और बाकी सर आएंगे तो ये सर को पेपर देंगे और चाय पिलाएंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या होगा आगे, जो करेंगे आप लोगों को दिखाते रहेंगे। रोटी दे मैं जाए आदि आदि दे सबको, रुक जा इनको भूखे देख नहीं पाता हूँ यार, देख लिया मैं पैसा हो हमारे पास पेल के सालों, इनके पास इनके लिए पूरा भंडारा करता हूँ रोज रोज, देखो ये कैसे बैठा है। वो काला वाला कहाँ गया, ले ले आ जा, बोला करो भैरव बाबा खाओ तब खाएंगे। चौथा को दई हाथ भकले जाको कोड़ी को तो देने की इच्छा ना चाहते, जाए भई मैं जाए ना, जक जक कमीना है, देखो करो खून दई।